सेम वीडियो देखता था। अच्छा, इससे पहले मैं जॉब करता था कहीं इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में, वो मेरे जॉब। हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इसरार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार ए टू जेड। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता होगा कि मैं आपके लिए काम करता हूं, थोड़ा कैमरा ऊपर कर दूं, खड़े हो जाओ। जैसा आप सभी को पता होगा, धुआं लग रहा था नया रख में, कि मैं आप सभी के लिए काम करता हूं। मैं आपको बताता हूं कि नोएडा में नौकरी कैसे मिलेगी। तो हाल फिलहाल अभी इस समय हम मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 63 में। हमारे साथ एक हमारे भाई हैं, जैसे ही हम बाइक से उतरे तो ये भैया हमसे मिल गए और हमने कहा इसरार भाई, इसरार। मैंने कहा हाँ यार, ऐसे ये मेरे सब्सक्राइबर्स ही हैं। बड़ा अच्छा लगा, बहुत रिस्पेक्ट मैं करता हूँ अपने उन सब्सक्राइबर्स के, व्यूवर्स के, जो हमारे साथ खड़े हैं, जो हमारे वीडियो देखते हैं, जिनको हमारे वीडियो से जॉब मिलता है। तो ये हाल फिलहाल अभी है, एक कंपनी में काम कर रहे हैं और हमारी वीडियो देखकर ही गए थे। हमें पता भी नहीं होता कि किन 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 लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से जॉब मिल रहा है, हमें नहीं पता होता। बट जब अचानक सडनली मुलाकात होती है तो बड़ी खुशी मिलती है ना। तो एक हमारे साथ एक हमारे भाई हैं, जो कि इनसे हम थोड़ी बातचीत करें। थोड़ा इधर आ जाओ आप, थोड़ा पीछे हो जाओ, कैमरा सही आ रहा ना। बैठ जाओ, हाथ सेकते रहो, ठंड बहुत है यार दोस्त। जैसा कि हमारे साथ हमारे भाई, स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाह रहा हूँ सर। नाम राजेश कुमार है, फ्रॉम बिहार से। बिहार से हो? हाँ। तो आप जैसे निकले ऑफिस से ऐसा, तो आपने मुझे पहचान कैसे दिया? सर, मैंने आपका शुरू से दीपावली से पहले से ही वीडियो देखता था। अच्छा। इससे पहले मैं जॉब करता था कहीं इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में, वो मेरे जॉब छूट गई, उसके बाद ही मैंने सर्च किया यूट्यूब पे तो आपका वीडियो पहले आया। अच्छा। तो उसी टाइम से मैंने आपका वीडियो फॉलो किया, मैं देखते रहा। तो मैं दिवाली के बाद घर से आया था आपके पास, कि बहुत बार मैसेज भी किया हूँ कि मैं आने वाला। उसके बाद मैंने आया, बहुत सारे हाँ मैंने मैसेज बहुत, आपने रिप्लाई भी बहुत बार किया है। तो उसके बाद मैंने आया तो आप ही के वीडियो देखकर जॉब, फिर तो उसमें जेड टाउन में भर्ती चल रही थी, तो मैंने उसी दिन जिस दिन आया अगला दिन ही 21 तारीख को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन ड्यूटी, नाइट ड्यूटी से स्टार्ट हो गई थी मेरी। मतलब आप हमारे वीडियो देखकर आए और अगले वीडियो देखकर? हाँ। तो जब ज्वाइनिंग हुए तो उसमें कोई पैसा, कोई चार्ज नहीं लिया? ऐसा कोई चार्ज नहीं था, फ्री ऑफ कॉस्ट था। फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या क्वालिफिकेशन है सर आपकी? मेरा ग्रेजुएशन ITI फीटर से। अच्छा, ITI फीटर से। एज कितनी है वैसे आपकी? मेरा 29। जो हॉस्पिटल में आप वर्क कर रहे थे वहाँ पे छोड़ा क्यों? ओ सर, वाइफ का डिलीवरी था, छुट्टी के अलावा कोई और प्रॉब्लम थी। अच्छा, उसमें कितने घंटे वर्क करना पड़ता है सर? उसमें तो 8 घंटे, ऑफिस असिस्टेंट थे उसमें मैं। अच्छा अच्छा, ऑफिस असिस्टेंट से, सही था यार। कितने घंटे वर्क करना पड़ता है टोटल? 8 घंटा उसमें, 8 घंटे ऑफिशियली वर्क था। अच्छा अच्छा, यार बिल्कुल पूछेंगे साहब, आइए पहले हाथ से लीजिए, ठंड बहुत है। तो यार कितनी महीने की सैलरी नहीं है इसमें? वहाँ पर 18,261 रुपये सैलरी मिलती थी इन हैंड 18,000 रुपये। अच्छा यार, बहुत बढ़िया था भाई, आप छूट गए। उसको मिस करते होंगे ना जॉब को? बहुत मिस करते हैं, सेंट्रल ड्रग स्टोर में थे उसमें। तो जब आप यहाँ पे आए, ऐसे क्या क्या डॉक्यूमेंट देकर आपकी ज्वाइनिंग हुई थी जेट टाउन में? वो ITI ग्रेजुएशन, 10+2 ISC का, बस ये सब चीज़। अच्छा, किसी भी प्रकार की कोई चार्ज तो नहीं लगा? ऐसा कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। इंटरव्यू कैसे होता है, इंटरव्यू प्रोसेस क्या है? इंटरव्यू यहाँ पर ऑफिस पे ही हुआ था हम लोग का, ऑफिस में ही हुआ था। थोड़ा सा खड़े हो जाते हैं ना, कैमरा भी नहीं आ रहा है ना भैया। तो ऑफिस कैसे, जॉब कैसे, मतलब इंटरव्यू कैसे हुआ था उन्होंने? ऑफिस में अपना नाम दिए थे, नाम पूछे थे ये लोग, फॉर्म दिया था, ठीक ना? अच्छा, ऐसा ही फॉर्म, नाम पूछे थे, लेके चले आए ना। अच्छा अच्छा, ऊपर गए थे क्या? चलो पहले इनसे बात कर लेते, फिर आपसे बात करते हैं सर। नाम पूछे थे, 5S के बारे में पूछे थे, ठीक ना? अच्छा, ये बताइए आप कितने दिन से अभी जेट टाउन कंपनी में काम कर रहे हो आप? आज मेरे करते हुए हो गया 22-23वां दिन है। 22-23 दिन हो गया? 23वां दिन। अभी कुछ पैसे मिले आपको? नहीं, आज सैलरी बट आ जाएगी, शाम को 7 बजे बोले। शाम को 7 बजे? हाँ। आज यानी कि आज अपना 12 से 13 तक अकाउंट के इश्यू के चलते नहीं आए। कितनी ड्यूटी है आपकी? पिछला मंथ में 11 ड्यूटी है। 11 ड्यूटी, कितनी सैलरी, कितनी बात हुई थी? 11 ITI के 11,303 रुपये। ओवर टाइम? 108 रुपये। 108 रुपये घंटे? हाँ। और बाकी अटेंडेंस? 1,000 अटेंडेंस और नाइट का 50 रुपये डेली। 50 रुपये डेली। हाँ। अच्छा, वहाँ पे काम कैसे होता है? कुछ हमारे ऐसे भाई हैं, रियल बता रहे, जो कहते हैं जे टाउन में काम नहीं मतलब सही है, या तो करना नहीं चाहते, या तो देखो क्या रीज़न है मुझे पता नहीं, बट ये जो हमारे भाई हैं उसमें 20 से 22 दिन काम कर आए हैं और डायरेक्टली हमसे मुलाकात किया। अच्छा, वहाँ पे काम क्या मैन्युफैक्चर होता है? जियो का मोबाइल बनता है। जियो का मोबाइल? हाँ। काम कैसे होता है, मतलब ज़्यादा प्रेसाइज वर्क तो नहीं है? नहीं, सोल्डरिंग, टेस्टिंग एंड असेंबली के काम होता है, तीन ही काम होता है। प्रेसाइज वर्क तो नहीं है काम? अरे उतना भी प्रेशर वर्क नहीं है, ठीक ना? थोड़ा बहुत गलतियां सबसे होती है हर कंपनी में, थोड़ा बहुत। हाँ, सब सारे मैनेज करना पड़ेगा, वो तो उतना तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। नहीं कर पाओगे तो नोएडा नौकरी है नहीं, घर की दूसरा के कंपनी में आप काम करो। नौकरी तो नौकरी ही होती है।
चाहे हमारे हो चाहे आपके हो, ठीक है। दो बार अगर नहीं सुनोगे तो जाओ काई कर लेगा, बोल देगा जाओ। यार हम भी यूट्यूब के नौकर ही हैं, वो भी हमसे हमें दो बात कह देता है ईमेल के जरिए, है ना, कि आप ये गंदी वर्ड्स या गंदी चीज़ें मत अपलोड करो, तो हमें भी सुनना पड़ता है। देखो नौकर नौकर ही हो, है ना, नौकरी अगर आप कर रहे हो, सर सर बोल रहे हो, तो भाई दो बात अगर कह रहा है तो क्या दिक्कत है यार? ना कोई दिक्कत नहीं है, बोलता है फिर बाद में सही हो जाता है। क्या तो अच्छा ये बताओ उसमें काम सही है, जो भी कैंडिडेट जॉब कर सकते हैं? हाँ कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। अभी मैं जा रहा हूँ अंदर, यहाँ पे वीडियो शूट करूँगा, है ना, और आप हाल फिलहाल वहाँ पे काम भी करते हो? हाँ वैसे कंडीशन कर रहा हूँ। कर रहे हो ना, कोई प्रेशराइज काम? कैंटीन का खाना कैसा होगा? खाना के इशू है वहाँ पे, है ना, खाना का इशू क्या है सर? वही चावल कच्चे रहते हैं, सब्जी ठीक नहीं रहती, खाना का वो बहुत प्रॉब्लम है। दो मिनट बस, खाने का दिक्कत है, खाने का थोड़ा सा दिक्कत है, कैंटीन में सुधार आना चाहिए। हाँ कैंटीन में सुधार आना चाहिए। चलो कभी कभी होता है या हमेशा? नहीं अभी तो ऐसा नहीं है, खाने के लिए ठीक है पेट। अच्छा 10 दिन का कितना सैलरी आपका और मेरा अकाउंट में सैलरी हो रहा है 7800, पर ये लोग मेरे को 6600 दे रहे हैं। 6600, हाँ उसमें 2 दिन एबसेंट दिखा रहे हैं, 30 ओटी था तो 29 दिन ये लोग दिखा रहे हैं। तो 29-30 के वो तो चल जाता है, ऐसे कोई इशू नहीं है, बट जो आपने हमने बात किया एबसेंट दिखा रहे हैं ना, तो मैंने एचआर से बात भी तो किया आपके सामने ही, तो उन्होंने कहा इनको कि आप एक बार कंपनी जाना, जो पंचिंग आप करते हो एक बार ध्यान रखना, कंपनी में आप मेहनत करते हो सकता है, कंपनी में आप जाते हो तो कंपनी में सबसे पहले आप काम करने से पहले, एंट्री करने से पहले जो आपका पंचिंग होता है अटेंडेंस, वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो अटेंडेंस जो हाजिरी आप फॉरवर्ड करती है कंपनी ऑफिस को, उसी के बिहाफ पे आपको पेमेंट मिलती है। सही बात। अगर वो 50 दिन कहेगा तो 50 दिन का पैसा मिलेगा, अगर वो कहेगा छुट्टी मारे हो एक दिन भी काम नहीं किया हो तो एक दिन का पैसा नहीं, छुट्टी तो नहीं मारे हैं हम। हाँ तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी इनसे हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं ना, सर से बातचीत कर काफ़ी अच्छा, आप भी यूट्यूब पे आओगे, भाई साहब से थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। आ जाओ थोड़ा सा हाथ सेक लेते हैं, बैठ जाओ आराम से, आप भी तो वही गए थे ना, ऊपर ही गए थे ना? हाँ ऊपर ही गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कैसे क्या मतलब कैसे प्रोसेस क्या क्या था सर, अंदर गए थे तो आप? अंदर गए थे अभी तो लड़कों की लाइन लगी थी, तो मैं जल्दी में था, इस वजह से मैंने फॉर्म वगैरह सब कुछ क्लियर कर लिया था। भैया का मेरे का फोन आया था, किस कंपनी के लिए? मिलना आप ठीक है, कुछ कुछ खाते यार, कुछ खाते पीते जाओ यार, कुछ खाओगे? नाइट ड्यूटी करके सोना है, फिर नाइट में जाना है। चलो अच्छा ठीक है, वो वेलकम वेलकम। तो यार एक बात बताओ, कोई पैसा कोई चार्ज तो नहीं दिया जा रहा? तो ये तो भाई मुझे नहीं पता, मैं पहली बार आया। अच्छा पहली बार? ये तो मुझे नहीं पता। पढ़े लिखे कितना? 12th। 12th कहाँ करना? BSc फिरोजाबाद। फिरोजाबाद? हाँ। किस कंपनी के लिए अप्रोच किए थे? किस कंपनी के लिए आपको कहा है जॉब के लिए? जो वो वाली है अभी कुछ नहीं हुआ, लाइन लगी है अभी, सर आएंगे वो करेंगे थोड़ी देर बाद इंटरव्यू। अच्छा चलो ठीक है भैया, बातचीत काफी अच्छा लग रहा है। वैसे इस समय हम ऑफिस के ठीक सामने हैं, अभी आपको मैं अंदर लेके चलूंगा, वहाँ पे कितनी वैकेंसियाँ हैं, कितनी कंपनियाँ हैं, सैलरी कितनी है, जॉब कैसे मिलेगा, प्रोसेस क्या होता है, इंटरव्यू कैसे होता है, एज क्राइटेरिया क्या है, कितने तारीख को अकाउंट में पैसे आते हैं, सब कुछ आपको डिटेल में मैं बताऊंगा। तो वीडियो में आप सभी लोग बैठा, वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली।